अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? खैर के साथ हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ ब्रो का एक बहुत ही खूबसूरत सा आर्टिकल शेयर करूंगा जो हमने कस्टमाइज स्टिच किया है। इंशाल्लाह कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी, आपने बस वीडियो करने तक वॉच करना है। सेम एज मॉडल का हमने कुछ पार्ट किया है, कुछ आपको पता है डिफरेंट भी किया जाता है अकॉर्डिंग टू साइज़ टू साइज़। तो ये सारे पार्ट्स आपके साथ डिस्कस करने का सिर्फ ये मतलब होता है कि आपको पता चल सके जो हम वीडियो वॉच कर रहे हैं वो हमारी क्या लुकिंग बनी है, ताकि हम एंड तक वॉच करें या क्या करें। वीडियो करने तक हमेशा वॉच किया करें, किसी की वीडियो आप वॉच करते हैं ताकि आपको आइडिया हो। नेकलेन से स्टार्ट करें तो नेकलेन के ऊपर हमें ये मिला था, ये एक एप्लिक पैच मिला था। हमने इस एप्लिक पैच को शर्ट के ऊपर जो है वो एप्लिक करवा दिया। सारी आप देख लें कि आउटलाइन करवाई हुई, मॉडल ने यहाँ पर नीचे स्किन शो की हुई है और ऑर्गेन्जा लगा कर हमने वो काम नहीं किया। अलबत्त इसके अगर स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स के ऊपर मैंने ये सारा कढ़ाई का पैच करवा दी, ये भी ब्रांड की तरफ से प्रोवाइड किया गया था। आगे हमने इसके ये कटवर्क बना दी कपड़े के ऊपर ही, ताकि इसकी थोड़ी सी जो ग्रिप है वो थोड़ी सी अच्छी बन जाए। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे और बड़े गफ स्टाइल के साथ ये बने हुए हैं। दोनों जो हमारे स्लीव्स हैं सेम पैटर्न के साथ बने हुए हैं। अंडर आर्म के नीचे से हमने ये दो लाइनें लैस की लगाई हैं जो टॉप से लेके तो बॉटम तक हमारी आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगर ये देखें, हमने ये सारी आउटलाइन तैयार करवा कर तो फिर हमने ये सारी इसके ऊपर लाइनिंग लगाई हैं। अगर चाकों की बात करें तो चाकों के ऊपर भी हमने ये सेम पैटर्न जैसे फ्रंट के ऊपर लगा हुआ था वो हमने लगा दिए। सारा फ्रंट के चैक चाक हैं, बैक के चाक हैं, सब जगह पे यही ही हमने वर्किंग की जैसे मॉडल की थी। मॉडल की बात करें तो मॉडल ने दामन के ऊपर नहीं लगाई हुई, बट मेरे पास ये लैस बच गई थी तो मैंने इस लैस को जो है वो दामन के ऊपर भी यूज़ कर लिया, फ्रंट और बैक पे, बट कटवर्क करवा के किया हुआ है। आधा पार्ट हमारा वो दामन के ऊपर वाले पार्ट पे, आधा हमारा नीचे जो है वो डाउन जो है उस तरफ है। और ये हमारे चारों जो चाक्स हैं वो आपके सामने शो हो रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही नाइस लुकिंग आ रही है इसके साथ। और जब हम इसको ये चेक करते हैं, ये देखें, ये हमारे फ्रंट बैक जितने भी चाक हैं चारों चाकों के ऊपर हमने ये सारी लेसिंग वगैरह का काम किया हुआ है। और बैक दामन भी आप देख लें, बैक दामन के साथ भी यही काम है। और इसके बाद अगर मैं आपको इसके बैक साइड के पैनल दिखाऊँ, जैसे फ्रंट के पैनल पर लैस थी वैसे ही हमने इसके बैक के पैनल के ऊपर भी कह लेंगे दो लाइनिंग हमने यहाँ पर लगवाई हुई है, तो उसकी वजह से माशाल्लाह लुकिंग और आपकी एलिगेंट सी हो जाती है। तो ये ब्रॉक का डिज़ाइन था माशाल्लाह, ब्रॉक के काफ़ी डिज़ाइन हमारे पास रेडी होने के लिए आते हैं, तो जैसे जैसे आएंगे आपके साथ वीडियो बनाते जाएंगे। ट्राउज़र इसका प्लेन था, ब्रांड की तरफ से मैंने यहाँ पे 4 प्लेटें ऐड कर दी ताकि थोड़ी सी लुकिंग आपकी नाइस हो जाए। बिल्कुल प्लेन जो है वो उसकी लुकिंग अच्छी नहीं लगती। लास्ट में आता है जिसका दुपट्टा, दुपट्टा अभी देखिए इसके पल्लू पर हमें एक लेस मिली थी, वो लेस लगवा दी है सारी यहाँ पर। और ये पल्लू जो है इसका थोड़ा सा प्रिंटेड है, आपको मैं थोड़ा सा इसको स्टाइल में दिखाता हूँ यहाँ पर ताकि आपको आइडिया हो। ये है जी इसका पल्लू, ये आप पल्लू देख सकते हैं कि ये सारा आपको प्रिंटेड पल्लू मिलता है। और ये यहाँ पर एक ये लैस है, ये लैस हमने खुद यहाँ पे ज्वाइंट की है सारी गुम करके, आप देख सकते हैं सारा गुम करके काम किया गया। और लॉन्ग साइड भी हमने इसकी सिंपल सिलाई लगा दी जैसे मॉडल ने लगाई हुई थी। तो ये माशाल्लाह आपकी जो लुकिंग है ड्रेस की बड़ी ही कैजुअल और बड़ी ही माशाल्लाह खूबसूरत सी आएगी। ज़ारा शाहजहान का बहुत हिट आर्टिकल आपके साथ शेयर करेंगे। नेकलाइन से स्टार्ट करते हैं, नेकलाइन के ऊपर ये सारी एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगी। साइड्स के ऊपर भी आप देखेंगे तो सारी आपको ये एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा। ये कोको का बहुत हिट कोट था जो हमने स्टिच किया माशाल्लाह रीस्टॉक में जब आया था। इसके अगर आप स्लीव चेक करें तो सारे स्लीव्स के ऊपर आपको ये कढ़ाई आगे ये बॉर्डर्स मिले हैं। हमने इसको मॉडल लुक के साथ बनाया, थोड़ा सा कैजुअल बना दिए, नेकलाइन पर बीट्स नहीं लगाए क्योंकि कस्टमर ने कहा था बीट्स ना लगाएं। तो ये सारी कढ़ाई हमने जो है एज इट इज़ ब्रांड की तरफ से आई थी, और ये पैनल्स हमने जो है वो खुद से एड ऑन किए हैं। और इसके जो हमने चाकों के ऊपर जो है वो डोरी जो है वो लगा दिया, मगजी लगा दिया साथ। और इसे आप देखें लुकिंग माशाल्लाह बहुत ही एलिगेंट आ रही है। डोरी मगजी से भी आजकल आपको पता है बहुत कम यूज़ हो रही है, बट फिर भी आपकी लुकिंग अच्छी आ जाती है जब आप इसको यूज़ करते हैं। नीचे बॉर्डर्स हैं सारे, ये ब्रांड की तरफ से मिले हुए हैं। एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पैनल एड ऑन किया क्योंकि इनका दामन पूरा नहीं हो रहा था, तो मैंने इसलिए साइज़ कम्प्लीट करने के लिए साथ पे ये एक एक्स्ट्रा जो है दोनों साइड्स के ऊपर एक एक पैनल एड ऑन किया क्योंकि ब्रांड की तरफ से एक्स्ट्रा मिला हुआ था, तो हमने इसको यूज़ करके अपना साइज़ कंप्लीट किया। अगर बैक साइड आपको उसकी दिखाएं तो बैक साइड के ऊपर भी आपको सारी कढ़ाई मिलती है, ये कढ़ाई का छट्टा, और दामन के ऊपर आपको ये एक बॉर्डर मिलता है। बैक साइड के ऊपर कोई पैनल ऐड नहीं है, सिर्फ फ्रंट के ऊपर जो है वो दो पैनल थे जो कह राइट लेफ्ट के, और एक्स्ट्रा भी दो हमने ऐड ऑन किए हैं। और इसकी बैक साइड के ऊपर भी पाइपिंग डोरी लगा कर अपना कम्प्लीट जो है वो हमने पीस जो है वो डोरी मगजी के साथ कम्प्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में आता है जी इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र हमने इसका थोड़ा सा मॉडल स्टाइल के साथ बनाया है, और ये ट्राउज़र के ऊपर आप ये सारी कढ़ाई देख रहे हैं, ब्रांड की तरफ से आई हुई थी, हमने एक्स्ट्रा इसके ऊपर काम नहीं किया हुआ। लास्ट में आता है जी इसका मीडियम सिल्क का दुपट्टा है जो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा है।
इसके फोर साइड के ऊपर ये बॉर्डर्स हैं जो ब्रांड ने आपको दिए हुए हैं, जैसे मॉडल ने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं बॉर्डर्स, वही हमने बॉर्डर यहाँ पे यूज़ करके तो सारा गुम सलाइयों का सर लगा कर ही मार्शल कम्प्लीट लुक इसकी जो है रेडी की है। और ये आप देख लें शर्ट की लुकिंग और मार्शल कैजुअल ये सारी चीज़ है, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, अलबत्ता ड्रेस जो है वो बहुत ही डिसेंट है। आइजल का नेक्स्ट आर्टिकल आपके साथ शेयर करेंगे, माशाल्लाह नेकलाइन से स्टार्ट करें। नेकलाइन के ऊपर जी एक मोटिव मिला था जो हमने इसको एप्लिक करवा दी है, हमारा साइज़ थोड़ा सा हेल्थी है तो हमने नीचे से इसके जो होल्स हैं वो कवर अप कर दी हैं, अदरवाइज़ मॉडल ने जो है कवर अप नहीं किए हुए थे, ऑर्गेंजा लगाया हुआ है। माशाल्लाह ये सारा स्कैलप काम करवा दी है इसके, अगर आप स्लीव चेक करें तो दोनों स्लीव्स के आगे भी जो है वो हमने स्कैलप करवाए हैं और कपड़े के ऊपर स्कैलप करवाए हैं, और आगे से आउटलाइन बनवा दी है ताकि आपकी थोड़ी सी ग्रिप जो है बाजों की वो आपकी बनी रहे। तो आप ये दोनों स्लीव्स को दे सकते हैं सेम पैटर्न के साथ है, और सारा इसका जो ड्रेस है शर्ट है वो ऑल ओवर के अंदर है। और अगर आप इसके दामन की बात करें तो दामन के ऊपर ये लैस आ जाती है जो इसके बाजों पे यूज़ हो रही है, साथ हमने कटवर्क भी करवा दी है, और ये इसके चाकों की लैस है, ये स्मॉल सी जो आप लैस देख रहे हैं हमने इसके चाकों पर फ्रंट बैक के चाकों पर लगाई हुई है, मॉडल ने तो यूज़ नहीं की हुई बट हम हर ड्रेस को चाकों पर लैस लाजमी यूज़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारे फोर चाक्स के ऊपर जो है वो हमारी लैस है, बैक साइड इसका जो है वो जो है पैच नहीं था तो बैक के ऊपर हमने ये लैस लगा दी है, ये आप देख सकते हैं ये लैस हमने एक्स्ट्रा लगाई है, ये ब्रांड ने साथ प्रोवाइड नहीं की हुई थी क्योंकि ब्रांड ने सिर्फ फ्रंट दामन के ऊपर एक पैच दिया होगा। तो चाकों पे लैस वगैरह लगाने से आपकी जो ड्रेस की है वो आपकी फिनिशिंग बड़ी अच्छी लुक में आ जाती है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र के ऊपर भी मैंने दो जॉइंट लैस लगा दी, नीचे फैब्रिक लगा दिया ताकि आपकी स्किन भी शो ना हो, और इसके साथ ये ट्राउज़र के एंड पार्ट के ऊपर भी एक लैस लगा दी छोटी सी डबल स्कैलप के साथ ताकि लुकिंग आपकी एलिगेंट हो जाए। लास्ट में आता है जिसका दुपट्टा, दुपट्टा देखिए इसका कॉटन नेट टाइप का दुपट्टा है, और दुपट्टे की फोर साइड जो है वो मैंने एक छोटी सी लैस लगा दी है, मॉडल ने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो ये लैसेस लगाने से माशाल्लाह आप देखें लुकिंग बहुत ज़्यादा जो है वो एलिगेंट हो जाती है। तो ये दुपट्टे का माशाल्लाह फोर साइड की लैसेस, और विद हमने फिनिशिंग पट्टी के साथ लैस लगाई ताकि आपकी लैस भी गुम हो जाए और आपकी फिनिशिंग जो है वो एलिगेंट से एलिगेंट हो जाए, और ये माशाल्लाह हमारा कंप्लीट ड्रेस जो आपके साथ शेयर किया गया।